नमस्कार, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आउटलुक अपने विशेष अंक के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 अब खत्म हो रहा है और 2020 का आगाज होने वाला है, तो हमने 2019 का जो सबसे चर्चित मुद्दा रहा उसको लेके इस बार कवर बनाया है और उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आउटलुक हिंदी के संपादक हरवीर जी। हरवीर जी, आपका स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी एस के सिंह। तो हरवीर जी, जैसे हमने जो इस बार का मुद्दा 2019 जो लिया वो नागरिकता पर लिया है, वो क्या है और क्यों लिया? मैं देखिए, 2019 जो है वो कई तरीके से अहम रहा है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुत अरसे के बाद कोई एक पार्टी की सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो इसलिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम था। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करके बड़ी जीत हासिल की, तो तमाम सारे उस वक्त के जो कयास थे उनको दरकिनार कर दिया। ये एक बड़ा मसला था। हमारा कन्फ्रंटेशन हुआ पाकिस्तान के साथ, लिमिटेड हुआ या जिस तरीके का आतंकी घटनाओं के बाद ये था। उसके बाद ये तो हम मान सकते हैं कि 5 साल के लिए सरकार बनी और ये सब हुआ, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो इस वक्त साल का अंत होते होते हैं जो घटनाक्रम में बदलाव आया, वो सबसे बड़ा बदलाव आया कि सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया और उस संशोधन को सदन के दोनों सदनों में पारित करा लिया और वो कानून बन गया। ये बात सही है कि उसके अगेंस्ट बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई और ये हुआ के साथ ये संविधान के खिलाफ है, जो समानता का अधिकार हमारा आर्टिकल 14 में है सबके लिए, उसके खिलाफ है और ये धार्मिक आधार पर नागरिकता देने का एक तरीके का बदलाव है। अब सवाल है कि उसका विरोध शुरू हुआ बंगाल पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू हुआ, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू किया गया, उस वक़्त जिस तरीके से देश भर के विश्वविद्यालयों से विरोध और प्रतिरोध की आवाज़ निकली थी, ये उसके बाद करीब लगभग 30 साल के अंतराल के बाद देश का जो युवा वर्ग है, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से विरोध की लपटें निकली और वो विरोध देशव्यापी फैल गया। तो इसलिए हमें ये था कि दो चीज़ें थी इसमें बहुत बड़ी, क्योंकि नागरिकता का जो प्रश्न है, जितनी तीखी बहस, जितनी ज़्यादा चर्चा, जितना उसको लेकर के अंतर विरोध और अलग अलग स्वर और विभाजन समाज में, देश के अलग हिस्सों में उस तरीके से जो दिखाई पड़ रहा है, मेरे ख्याल से आज़ादी के इतिहास में इस मसले पर इससे ज़्यादा बड़ा चर्चा, इससे ज़्यादा तीखा विभाजन नहीं देखा गया था। इसलिए हमें लगा कि ये साल का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये ना तो सिर्फ 5 साल की सरकार का जो मसला होता है वहाँ तक सीमित है, ये बहुत दूर तक देश के संवैधानिक जो मान्यता है उनको लेकर के, हमारा जो समाज है उसके बीच का जो एक तरीके से सामंजस्य कहें या तालमेल कहें या सौहार्द कहें, उसको लेकर के मसला हो, और देश की राजनीति, ये सारी चीज़ें गड़मड़ होती दिख रही हैं। इसलिए ये मसला जो है इस वक्त अगर हम कहें 2019 ही नहीं, ये आगे भी जो 2020 शुरू हो रहा है उसमें भी ये मुद्दा आगे जारी रहे। एक बात और इसमें उठती कि जो ये पूरा आंदोलन हुआ, ये शुरू में ऐसा माना जाता था कि पूर्वोत्तर का मुद्दा है और क्योंकि NRC वहाँ पर लागू हुआ था, फिर ये धीरे धीरे पूरे देश में विश्वविद्यालयों के जरिए फैला, और जो आप एक संदेह लोगों को NRC को लेके है उस पर आपका क्या कहना? नहीं नहीं देखिए, हमने एक तो इसमें क्या किया, हमने कहा कि सबसे पहले असम में विरोध शुरू होता है, पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी विरोध शुरू हुआ इसका, हालांकि मीडिया ने उसको उस तरीके से मैपिंग नहीं किया, कैप्चर नहीं किया। जो मुख्य धारा मीडिया है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, उसने उस विरोध को या वहाँ पर जो जिस तरीके का आंदोलन चल रहा था उसको पूरे देश के सामने जिस तरह रखा था नहीं रखा, लेकिन जब असम में बात आगे बढ़ी तो असम की जो मौजूदा सरकार है उसको भी थोड़ा पांव खींचने पड़े पीछे, क्योंकि वहाँ जो NRC लागू हुआ और उसमें जो लोग बाहर रह गए उसको लेकर के विवाद है, क्या जो बाहर रह गए आप उनको अंदर रखना चाहते हो? इसलिए आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद जो कानून बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, उसको लेकर के आई हो, क्योंकि उसमें मुसलमानों को छोड़कर मुसलमान और यहूदी और जो एथिस्ट जिसे कहे जिनका कोई धर्म नहीं है उनको छोड़कर के आपने कहा जो बाहर के शरणार्थी जो पीड़ित हैं उत्पीड़ित हैं धर्म के नाम पर, उनको इसमें सहूलियत दी जाएगी भारत की नागरिकता। तो अब वहाँ पर का विरोध अलग है, क्योंकि असम में अभी भी विरोध जारी है,
और वो इसको मानने को तैयार नहीं है। देश के बाकी हिस्सों में विरोध शुरू हुआ कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, धर्म के आधार पर ये एक विभाजन पैदा करता है। लेकिन सरकार की सफाई है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने किसी का एक्सक्लूजन नहीं किया है, ये तो लोगों को नागरिकता देने के लिए है। लेकिन अब जैसे आपने बात कही जो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर की बात करते हैं, जो कि अभी सिर्फ असम में हुआ था, अब उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि जो गृह मंत्री हैं उन्होंने संसद में कहा कि पूरे देश में आएगा, जब सिटीजनशिप बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी उस वक्त उन्होंने ये बात जोर कही, तो एक बड़ा हिस्सा समाज का उसके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टारगेट हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दस्तावेज उपलब्ध ना कराने की स्थिति में उनकी सिटीजनशिप चले जाए। तो ये एक अजीब सा एक माहौल बनना शुरू हुआ, और जो युवा वर्ग है जो विश्वविद्यालयों से जो आवाज़ आई उनका था कि ये हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान का जो ढांचा है और उसमें जो उसके कहा गया है उसको उल्लंघन करता है। तो अभी हालांकि उसको सरकार कोशिश कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं, तो हमने इसमें यही किया कि हमने जो आंदोलन है पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में कैसा चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उसको लेने की कोशिश की ग्राउंड रिपोर्ट, और बहुत सारे लोगों की जाने गई जो है, पुलिस की जागतियाँ भी हुई, विश्वविद्यालयों के अंदर हुई, बाकी जगह भी आ रहा है सामने, आंदोलन हिंसक भी हुआ, उसमें सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी हुआ। दूसरे हमने कोशिश की कि शिक्षाविद, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता और कानूनविद और तमाम सारे पक्ष, जो विरोधी पक्ष है वो भी, जो इसके समर्थक हैं वो भी, उन सबको साथ लाने की कोशिश की, और हमने अपने पाठकों को इस पर छोड़ा कि आप सब जानिए, समझिए और उसको फिर अपना राय बनाइए, या जो भी हमारा काम है एज ए मीडिया, सूचना देना लोगों के बीच, तथ्यों को पहुँचाना, वो हमने इसमें किया। 2019 जो दिसंबर जो है वो बीजेपी के लिए भी एक तरह से एक और तरह से खराब रहा, क्योंकि जो झारखंड का इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। तो सुनील जी, वहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे कि झारखंड में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी और एक बार फिर से सोरेन की सरकार बनती दिख रही? देखिए, वहाँ सरकार बनाना बीजेपी को पहले से ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बीजेपी के नेताओं में इस बात की सुगबुगाहट पहले से ही दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात यह देखी वहां पर कि जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी, एक तो उनका जो अपना गठबंधन था अस्सू के साथ वो नहीं बन पाया, और दूसरी बात यह कि जो वहां जमीनी मुद्दे थे उसका कहीं भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में जिक्र नहीं होता था। प्रधानमंत्री हों, गृहमंत्री हों, इन्होंने बहुत सारी सभाएं की वहां पर, लेकिन उनमें राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा बात की। उनमें तीन तलाक पर हुआ, फिर ये राम मंदिर की बात भी, ऐसे मुद्दों पर बात भी, लेकिन वहाँ का जो बड़ा वोटर वर्ग है जिनमें आदिवासी हैं उनकी बात कहीं हुई। दूसरी तरफ जो दूसरा नया गठबंधन वहाँ बना कांग्रेस का और झाबुमो का हेमंत सोरेन के दौर में, तो उन्होंने वो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं की, वो स्थानीय मुद्दों पर चले गए। वो उन लोगों की क्या समस्याएं हैं, आदिवासियों की क्या दिक्कतें हैं, वहाँ वो सरकार ने किस तरह से जो नीतियाँ बनी वो किस तरह से आदिवासियों के हित में नहीं थी, तो उनका जिक्र किया। तो ये जमीनी मुद्दों से कटना ये बीजेपी के लिए घातक रहा वहाँ पर। अजय जी, वापस हम लौटते हैं एनआरसी और उस पर, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के में जो हो रहा है कि अभी वहाँ करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है, और सरकार का जो रवैया है वो अब ये दिखाने पर है कि भाई आपने वैंडलिज्म किया है तो हम आपसे वसूली करें। क्या ऐसा पहले भी होता था या ये कुछ नया रुख है सरकार का? नहीं, देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी सख्ती है, ये बात सही है कि आंदोलन जो हिंसक है उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और उसमें जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान है उसको भी कोई समर्थक नहीं बनना चाहेगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति है, उसका संरक्षण होना चाहिए, और जो इस तरीके के तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण विरोध, अगर सरकार की किसी नीति, किसी फैसले से देश के नागरिक विरोध इत्तेफाक नहीं रखते, उसका विरोध करना चाहते हैं, तो उसका विरोध करने का उनको हक है। असल में जिस तरीके से पूरे राज्य में धारा 144 लगाई थी, तो और फिर बाद में जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब ये है कि अलीगढ़ में शांति मार्च, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में विरोध की
जगह गुंजाइश बना करके रखनी चाहिए। शांतिपूर्ण जो लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको उसका हक है। ऐसा नहीं है कि आप आंदोलन को बिल्कुल ही नहीं होने देंगे या विरोध के स्वर को बिल्कुल आप दबा देंगे, ये भी ठीक नहीं होता। तो ये जो विरोध करने वाले आंदोलनकर्ता, उनको भी देखना पड़ेगा कि वो भी हिंसक ना हो। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए। 20 लोगों की जान गई है कि पुलिस का दावा है, डीजीपी बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि उनके दावों के उलट उस तरीके के तथ्य बार बार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पुलिस या दमन है वो एक आगे के लिए भी उदाहरण बन जाए। और अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से उसकी भरपाई करनी है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जहाँ भी जब भी ऐसा हुआ है, अगर कम से कम मौजूदा सरकार के अगर कार्यकाल में ऐसा हुआ है तो उसने जब ये इस तरीके का फैसला लिया है तो बाकी मसलों की भी इस पर देखना चाहिए। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई करती दिखे, क्योंकि लोकतंत्र में हर धर्म वर्ग सबको बराबरी का हक है। और इस चीज़ को सरकार को ध्यान में रखना होगा क्योंकि उसका दायित्व बड़ा होता है, उसको सारी चीज़ें समझ के चलना होगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर कहीं जाते हुए तो उसका जांच होनी चाहिए, उसके जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जानी चाहिए सबके मामले। क्योंकि जैसा आपने आपने देखा कि 2019 काफ़ी ज्वलंत मुद्दों के साथ खत्म हो रहा है और शायद इससे देश की भविष्य की दिशा भी तय होगी। आप सबका धन्यवाद और आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार।